Hi. Hi. वो एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा था, एंगेजमेंट रिंग कहाँ से मिलेगी? मुझे प्रपोज करना है. Really? हाँ, कोई शॉप प्लीज बता दीजिए. हाँ हाँ है ना, वो ऑफिस के सामने ही शॉप है ज्वेलरी की. ओ यस यस, अभी लेकर आता हूँ. शैला, शैला गुड न्यूज, मुझे शाहरुख प्रपोज करने वाला है, वो मेरी रिंग लेने गया है. सच्ची कोमल, शाहरुख तुम्हें प्रपोज करने वाला है? और उसने खुद ने मुझसे कहा कि वो मेरी रिंग लेने जा रहा है. कोमल मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, लेकिन शाहरुख का तो अनुषी के साथ चक्कर नहीं था. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है, मुझे प्रपोज करने वाला है. जे देओ इजाजत ते सोनेओ दिल तड़े ना वेला दईए, जे देओ इजाजत ते सोनेओ दिल तड़े ना वेला दईए. फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे, अज मुकदी कर मुका दईए. Will you marry me? हेलो, रूम में आए मेरे. चले आइए आइए आइए. यस यस. शाहरुख मेरे रूम में आए. शाहरुख मुझे प्रपोज करे यार. प्रपोज टू मी जी. चले प्रपोज करे, मुझे वैसे ही प्रपोज करे जैसे आप अंदर उनको प्रपोज कर रहे थे. मुझे वही पोज बना के बोले, विल यू फायर मी? करो, कम ऑन. You fire me? Sorry sir. Komal? नहीं सर, कोमल नहीं, शाहरुख नाम है. कोमल, कोमल क्या लाई? सर इसका टर्मिनेशन लेटर. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड. मिस्टर शाहरुख, आपने जर्नलिज्म की तोहीन की है. आपको यहाँ प्रपोज करने की सैलरी मिल रही है. No, प्लीज टेल मी. नहीं सर, वो बस सॉरी. आपसे मैंने कहा था कि आप साइकाइट्रिस्ट से वो लेकर आए अपना मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट. कहाँ है? वेयर इज इट? सर वो मैंने कोमल को दे दिया था. ओह कोमल, कोमल मुझे जी जी जी. कोमल वो सर्टिफिकेट लेकर आइए, मुझे तो ये नॉर्मल लगता ही नहीं है. आई थिंक ही इज अ लिटिल क्रेजी. जी सर, मेरे टीचर भी यही कहते थे स्कूल में कि मैं अबव नॉर्मल हूँ. अच्छा, स्कूल में भी यही कहते थे. जी जुबैर साहब. थैंक यू, थैंक यू कोमल. ओह पीएम हाउस से फोन. हाँ, गेट आउट, गेट आउट. नो नो जुबैर साहब, आप नहीं, आप नहीं. ये जो मैंने तुम्हें ईमेल किया है ना, इसका प्रिंट आउट निकाल देना. सुनो कोमल, तुम्हारे हाथ थर थर कांपे नहीं मेरा टर्मिनेशन लेटर लिखते हुए? कांपे थे, बाद में पता चला जलजला था. तुम अनुषी को प्रपोज कर रहे थे ना? सॉरी, बोल तो दिया था. अगर मेरी नौकरी चलेगी ना कोमल, तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी. थैंक गॉड तुम शादी के लिए सीरियस हो.
मैं कुछ करती हूँ, तुम्हारी रिपोर्ट ठीक ही होगी, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। अच्छा, बल्कि तुम्हें तो मोहब्बत हो गई है। तुम्हें कैसे पता मुझे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत ना कमर दर्द की तरह होती है, एक्सरे में नज़र नहीं आता, मगर बंदे को खुद पता चल जाता है कि उसे मोहब्बत है। अच्छा, मैं तुम्हें ना साइकेट्रिस्ट से अपना सर्टिफिकेट ला दूंगा, ठीक है? तुमने दे देना बस बॉस को, ओके? ठीक है। अच्छा सुनो, इस मोहब्बत का किसी को पता नहीं चलने देना, वरना मेरा स्कैंडल बन जाएगा। तुम्हारा स्कैंडल कैसे बनेगा? मासूम हो तुम, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। इतनी देर बाद आए हैं मेरे भाई, मेरे भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे भाई बाहर होते हैं? नहीं, अंदर होते हैं। देखो, तुम वो सर्टिफिकेट जल्दी बनवा लो, सर किसी भी वक्त मांग लेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। हेलो जी, चुन चुन नाचूंगी, गुन गुन गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उनको रिझाऊंगी, चुन चुन नाचूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहले भी तो आया था आपके पास वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, मेरा नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट प्लीज दे दीजिए। मैं नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मैं अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सर आप तो पिछले 35 साल से ज़हनी मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इसलिए आप पे असर हो गया होगा, लेकिन मेरा तो दे दीजिए प्लीज। क्या मतलब? ओहो सर, मतलब ये कि आप अपने बारे में रिपोर्ट नहीं दे सकते, तो मेरे बारे में तो दे दीजिए। देखो, हर चार में से एक शख्स मेंटली बैलेंस नहीं होता, समझ गए? अब तुम अपने मेंटली 3 बैलेंस दोस्तों को देखो, चौथा तुम्हारा नंबर हुआ। हा? सर प्लीज आप बाकी बातें छोड़ दीजिए, मेरी रिपोर्ट दे दीजिए बस। मैं तुम्हारे चैनल के पैनल पर हूं, मैं चैनल पर रिपोर्ट भेज दूंगा। कोमल से भी कहा था सर। हेलो जी, मैं साइकेट्रिस्ट बोल रहा हूं, मैं सुनने के भी पैसे लेता हूं। एक बात ऐसी है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप समझते हैं देखते हैं। क्या हो गया, ये क्या चला गया? चारू, ये क्या? यार वो अपना बात सरदर्द है ना, उसने कहा था अपने मेंटली फिट होने का सर्टिफिकेट लेगा, ये वही है। चेक करते हैं यार, तू कितना मेंटली फिट है? ऐसे क्यों देख रहा है? क्या लिख दिया उसने? कहीं ये तो नहीं कि मैं सुपर नॉर्मल हूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ग्लूकोज? डर क्यों रहा है? नहीं, मैं डर तो नहीं रहा, वो क्या हुआ है? मुझे ना बेजी याद आ रही है, मुझे घर जाना है। अचानक बेजी? इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ इधर, दिखाओ। शाहरुख राव मेंटली नॉट परफेक्ट, ही कैन मर्डर एनीवन। क्या उससे मैं कभी भी किसी का कत्ल कर सकता हूं? मैं नॉर्मल हूं। पागलखाने में होना, ये क्या बकवास है यार? तू क्यों हैरान होकर देख रहा मुझे? मैं तो इसलिए हैरान हो रहा हूं कि मैं कैसे बच गया। यार अच्छा हुआ तूने रिपोर्ट पढ़ ली, मुझे तो कल उसको पहुंचानी थी, अगर ये दे देता तो वो तो मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देता। वो आपको ऑफिस से नहीं निकालते, खुद ऑफिस छोड़ के भाग जाते। ऐसे पागल दीवाने कातिल के मुंह कौन लगता है? चढ़ा, ये किसी और का सर्टिफिकेट होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, तुम्हारा भी हो सकता है, क्या पता तुम्हारे अंदर एक पागल बसता तुम्हें पता ही ना हो। यार मुझे कल पहुंचाना है उसको हर सूरत, और एक काम कर दे ग्लूकोज, ये पकड़, फोटोशॉप कर, ये खोल खोल
खोल ना। खोल लो। इसको फोटोशॉप कर अभी और एबनॉर्मल को नॉर्मल लिख, ठीक कर इसको। मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? तुझे पता ना पाकिस्तान की अदालत पागलों को सजा भी नहीं देती। मैं करूंगा ना, मैं अभी कर देता हूँ। बताओ क्या करना, बताओ। नॉर्मल करना है, एबनॉर्मल को पूरा चेंज करना है। लोगो यही होगा। बिल्कुल यही होगा। काम कर भाई, मुझे क्या देख रहा है। कर रहा हूँ। सुबह देना है। हेलो मम्मी, मैंने बहु कमजोरी थाई छे, खाने को दिल नथी करे छे, कोई टॉनिक छे था नहीं पार से? हाँ अच्छा कोमल, मम्मी बाद में कॉल करूँ छू। कोमल अब बात सब अपने ऑफिस में जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ओके थैंक यू। क्या मैं नाराज हूँ तुमसे? इतनी प्यारी लग रही हो नाराज होके, इतनी क्यूट, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुम ऐसा करो बस, जिंदगी में एक और काम कर दो मेरा, उसके बाद चाहे सारी जिंदगी नाराज रहना, बहुत प्यारी लगोगी। अच्छा क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि बाद सबने एक सर्टिफिकेट मांगा था ना। हाँ तो ये लो, उनको दे दो। वो डॉक्टर मोटानी ने भिजवा दिया था, वो उनके पैनल पर है, वो अब्बास सर की मेज पर रख दिया है मैंने। जब वो बुलाएंगे तो तुम चले जाना, ठीक है? मोटानी ने मारे गए? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कोमल, अगर अब्बास साहब ने वो सर्टिफिकेट पढ़ लिया तो मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे, इस दफ्तर से उठा के बाहर फेंक देंगे। मेरी हीरोइन का क्या होगा? अनुषा के अलावा और कौन सी हीरोइन है तुम्हारी? मेरी हीरोइन तुम, किरण। ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना बुरे वक्त में गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो मैंने इनको महबूबा बना दिया। क्या कहा? ओहो ये सर्टिफिकेट वहां दे, क्या अनुषे को जेलिस कर रहा था। देखो ना ये सर्टिफिकेट, वो वाला ले। अनुषे डॉक्टर मोटानी ने गलत रिपोर्ट दे दी, उस पर लिखा मैं एबनॉर्मल हूँ यार। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, बल्कि तुम एबनॉर्मल से भी ना बढ़ के कोई चीज हो। बात तो सुनो। नहीं कोमल, कोमल को बात सुनो, ठीक है? क्या? अब प्लीज प्लीज कोमल, प्लीज बेबी। हाँ प्लीज बेबी। क्या लिखा है सर्टिफिकेट में यार? उसमें लिखा है कि आई नीड टू गो टू मेंटल हॉस्पिटल और मैं कभी भी किसी का कत्ल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ कभी भी। आर यू सीरियस? तो मतलब जब अब्बास साहब वो सर्टिफिकेट पढ़ेंगे तुम्हें बुलाने के बजाय वो पागल खाने वालों को बुलाएंगे? जी बिल्कुल, पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा लगता है आ गए हम वो लोग। कौन? पागल खाने वाले। व्हाट आर यू सेइंग? हाँ अच्छा तुम यही रुको, मैं पूछ के आती हूँ कि इनको क्या चाहिए। ये लोग यहाँ पर किसी पागल को पकड़ने आए हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? पता नहीं, बाद साहब ने कहा है किसी शाहरुख नाम के लड़के को पकड़ने आए। क्या क्या बोल रही हो? भेजो इनको यहाँ से, बोलो यहाँ कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो इधर आए। यहाँ नहीं बुलाना इनको, ताकि तुमको शक ना हो तुझको। आप लोग शाहरुख को ढूंढने आए हैं ना, यहाँ पे मेज के नीचे। क्या पीछे पीछे, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। आप लोग एक काम करें, आप लोग जाके रूम में बैठे, मैं किसी को पूछती हूँ। कौन कौन लोग थे? अरे यार ये लोग पागल खाने से नहीं आए, ये लोग रिएनैक्टमेंट शो के एक्टर्स हैं। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी अनुषे। मुझे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम साइको किलर बन जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहाँ जाऊँ? अब्बास ने तुम्हें बुलाया है, मेरी रिपोर्ट बदलने से पहले उन्होंने रिपोर्ट पढ़ ली। क्या? हाँ तुम हंस रहे हो। गुड लक। रिपोर्ट पढ़ ली, क्या बोलेंगे?
ये आपकी रिपोर्ट तो शाहरुख गलत लग रही है मुझे। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये रिपोर्ट है ही गलत। हाँ मुझे भी गलत लग रही है सर, 100% गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। आई एग्री विद यू टोटली सर। मुझे तो ये डॉक्टर भी ठीक नहीं लगता, इतने सालों से पागलों का इलाज कर करके खुद पागल हो गया। मैं आपको ऐसा लगता हूँ ना? यही तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल ही लगते हैं आप ऐसे। बिल्कुल, थैंक यू। कोमल कोमल कोमल, डॉक्टर मोटानी को फोन करें, बोले ये रिपोर्ट जो है शाहरुख की साथ गलती से यहाँ आ गई है, कंफर्म करके पूछें कि ये सही रिपोर्ट है कि नहीं। गो। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल यही बात तो मैं सोच रहा था। मेरी आपकी सोच कितनी मिलती है सर, गुड केमिस्ट्री। भाई इसमें तो लिखा है कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर मोटानी इज नॉट राइट। क्या इसमें लिखा है कि मैं नॉर्मल हूँ? सर आप यकीन करें मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, जबरदस्त 100% ठीक। वो डॉक्टर मोटानी तो बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, बड़े मुस्तरद डॉक्टर हैं, मशहूर हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, कोई जोक थोड़ी है सर। सर ये बिल्कुल सही है, मुझे नहीं लग रहा। नहीं सर ये सही है, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं आई थिंक इज नॉट ट्रस्टवर्दी, दिस डॉक्टर इज नॉट राइट, ये सही नहीं कह रहे जी। सर डॉक्टर मोटानी से बात हुई, वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। सर शाहरुख किसी और की फाइल उठाकर लेकर आ गया इसी नाम से, और वो कह रहे हैं ये फाइल वापस कर दें। कोमल अब एक काम करें, आप टर्मिनेशन लेटर फौरन लेकर आए और साइन करवाएं मुझसे फौरन। वो तो सर वो तो नहीं है। है सर है। Oh, very good, Kumar. You're improving. With the name, very, very good, Kumar. अब भाई देखिए कोमल, मैं ये साइन कर रहा हूँ, उस पर डेट मत डालिएगा, और जिस दिन ये गलती करेगा उस दिन डेट डाल के दे दीजिएगा इनको। Get out. No. Can't find a way to stop it. अबे क्या बना उस रिपोर्ट का भाई, टिकट चले जा रहे हैं। आपने यही नहीं बताया कि वो रिपोर्ट सही है कि गलत। एक मिनट, आओ आओ आओ। क्या हुआ अनुषा? पता नहीं आंख में कुछ चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो। बहुत जलन हो रही है, तुम देखो क्या है प्लीज। कुछ भी तो नहीं है, मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तुम तो मेरी हर जगह ही हो, दिल में, दिमाग में, जहन में, आंखों में, कुछ है देखो प्लीज। मतलब इतनी अनरोमांटिक हो, वो फूंक मारो ना, वो जो फिल्मों में लड़कियां फूंक मारती हैं कपड़ा रख के। चलो कम। हाँ ठीक है, मैं अभी करती हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं कपड़ा लेके आती हूँ। रोमांटिक बनाना ना। हाँ प्लीज जल्दी करो, बहुत जलन हो रही है अनुषे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम देखो अपनी दोनों आंखें बंद करो। दोनों? ओके फाइन क्लोज्ड यस। मैं 2 मिनट में कपड़ा लेके आती हूँ। ओके प्लीज क्विकली अनुष जल्दी करो, बहुत जलन हो रही है यार। एक्सक्यूज मी, अब वो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है ना, आपने एक काम करना है कि ये टिश्यू लेकर उसकी आंख के ऊपर रख कर फूंक मारना है, ठीक है? इट्स अ प्रैंक। अच्छा अनुष बहुत जलन हो रही है यार प्लीज। हाँ हाँ आ गई आ गई, मिल गया कपड़ा। हाँ चलो अब बहुत प्यार से फूंके मारो। जी सर। इजाजत ते सोने दिल तड़े नावे ला दईए, जे दे इजाजत ते सोने दिल तड़े नावे ला दईए। मैंने सोच लिया, मैं पापा को ना सब सच सच बता देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे इस बात से। सोचो बहनों, कोई और आइडिया सोचो। वाह निगार क्या बात है, कितना अच्छा आइडिया दिया है। पहली बार केटी किसी और के आइडिया से मुतासर हो गई। चलो चलें पापा। चलो, चलो। बाबा
अब क्यों आया यहाँ? तो आप दोनों से बात करने और क्यों? हाँ, ताकि और मजीद झूठ बोल सके। तुम्हारे बाबा ना भूले से झूठ बोलते तो बोलते, जानबूझकर कभी नहीं बोलते। देखो, सारे खानदान में शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, तुमने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारा ताया आ गया लाठी लेके। तो मैंने आप लोगों से कब कहा कि वलीमा कैंसिल करें? तो तुम्हारी शादी ग्लूकोज से कर दे। प्रोफेसर साहब, आपका मजाक ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं? हवलदार साहब ने शर्त रखी थी कि सिर्फ शादीशुदा जोड़े को कमरा किराए पे देंगे। मैंने अपने दोस्त गुल्लू को उसको बुरका पहनाया, बीवी बना के घर ले गया, कमरा किराए पे मिल गया। आप लोगों ने खुद तो कहा था कि अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाओ, वही तो कोशिश कर रहा था। बात सुनिए अम्मी, पापा बहुत देर ना अभी वलीमे में, प्लीज जाके बात तो करें ना यार। मेरा तो ख्याल है कि ये वलीमा कैंसिल कर देते हैं। तुम ताया को ले जाओ हवलदार से बात करने के लिए, वो एक नया फटा शुरू कर देंगे वहां पे। प्लीज बाबा, अम्मी आई लव यू सो मच, प्लीज जाके बात करें। पापा, पापा आपसे ना एक मशवरा करना था। अपने लिए नहीं, अपनी एक फ्रेंड के लिए। राइट गर्ल्स? हमारी एक फ्रेंड है, उसके पापा आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम उस बेचारी के लिए आपसे मशवरा करना चाहते हैं। ठीक है, बोलो। वैसे तो कहते हैं कि पुलिस वालों से और रिश्तेदारों से कभी कोई मशवरा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपसे मशवरा लेने आए। तुम तो चुप करो। पापा पापा, आपसे ना ये मशवरा करना था कि अब एक किराएदार है। पापा बोलो। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। कोई और किराएदार, कोई और किराएदार। बोलो। किराएदार ने झूठ बोला है कि मालिक मकान शादीशुदा है। ज्यादा केटी बनने की कोशिश मत करो। किराएदार ने मालिक मकान से झूठ बोला है कि वो शादीशुदा है। पापा, किसी और की कहानी है, कोई और किराएदार है, वो शादीशुदा है। अच्छा अच्छा, पापा पापा पा, पानी दे। अच्छा ठीक है ठीक है। अब बात ये है कि वो मालिक मकान की बेटी से शादी करना चाहता है। अब पापा, ये मशवरा किसी और के लिए, तो आप बताएं। मेरा मशवरा ये है कि ऐसे किराएदार को रिश्ता नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे धक्के देकर सामान समेत घर से बाहर निकाल देना चाहिए और उस पे धोखाधड़ी का केस फाइल करना चाहिए। पापा, धोखे तक तो बात ठीक है, लेकिन दही का केस? Why your good case? दिमाग की दही ना करो लड़की। बाबा, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? हटो, अंदर चले जाते। अजीब सा रिएक्शन नहीं है? मैं उसको गोली से उड़ा देता। पापा पापा, एक और सजा है, एक और सजा है। आप उस लड़की की शादी लड़के से क्यों नहीं करवा देते? जिंदगी भर सजा भुगतता रहे। बेटी, जो शख्स एक दफा धोखा दे, वो बार बार धोखा दे सकता है। तो मेरी बेटियों, एक बात हमेशा याद रखना, कभी ऐसे शख्स पर एतबार मत करना जो हो ही बेएतबार। आइए, प्लीज आइए, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। अब ये शाहरुख के मामा पापा हैं। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख भाई से मिलने आए हैं? नहीं, हम हवलदार साहब से मिलने आए हैं। क्यों? बेटा, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए। कौन आया हुआ है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं हवलदार साहब?
आपकी तमाम चीजें शाहरुख को दे दी थी। अब हम मैं आपको शाहरुख का कमरा दिखा दूं, आप वहां पे चले जाए ना। नहीं नहीं बेटा, हम तो हवादार साहब से जरूरी बात करने आए हैं, बल्कि बात क्या करनी है भाई साहब, आपसे गुजारिश करने आए हैं। जी बोलिए। वो दरअसल वो हम शाहरुख से मिलना है, है ना? नहीं नहीं वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते हुए चले। नहीं बेटा, हवादार साहब सच्ची बात ये है, हमें आपकी बेटी अनुषा बहुत पसंद है। वो एक्चुअली हम शाहरुख की शादी की बात करने आए। ठीक है, उस दिन मैं अगर फारिग हुआ तो चक्कर लगा लूं। अरे नहीं नहीं सुनिए तो सही भाई साहब, आप समझे नहीं, हमें ना दरअसल अपने बेटे शाहरुख के लिए आपकी बेटी अनुषा पसंद है। मेरी बेटी के लिए एक शादीशुदा शख्स का रिश्ता? अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ऊपर चले हमारे साथ, देखिए उसकी दुल्हन। असल में ना वो शाहरुख है ना, वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा, हम यही उसका इंतजार करते हैं। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा और कहाँ जाएगा। चाय वाय मंगवाए ना। आप चाय कहाँ पीते हैं, आप तो कॉफी पीते हैं। बेटा कॉफी बनवा देना, भूल जाते हैं प्रोफेसर साहब। यस कॉफी, वन ब्लैक कॉफी, यू नो विद फ्रेश बीन्स वाली। काफी हो गया क्योंकि कॉफी खत्म हो गई है। अस्सलाम अस्सलाम। बेटा आ जाओ, बैठो बैठो। बाबा मैं, आप लोग यहाँ क्यों बैठे, ऊपर आए ना कमरे में चले। अरे बेटा तुमने अपनी बेगम को हवलदार साहब से नहीं मिलवाया? नहीं। बुलाओ ना उसे, किधर तुम्हारी बीवी अनुषे। बेटा जाओ जाकर बुला के लाओ उसकी बीवी को जरा। हाँ बुलाओ बुलाओ उसे। नहीं नहीं नहीं, रहने देना प्लीज। जाओ अनुषे, वो बच्ची को लेके आओ। हाँ ये ले जी, आ गई शाहरुख की बीवी। आओ बेटा शाबाश, आओ आओ बैठ जाओ। आओ बेटी आओ, बैठो बैठो, घबराओ नहीं, शाबाश। इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे। हाँ आओ बैठो शाबाश। ये ले भाई साहब, ये है शाहरुख की दुल्हन। लाहौल वाला कुत्ता अल्लाह बिला, ये इन दोनों ने शादी की हुई है? नहीं, शादी नहीं की हुई, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा रचाया। बेवकूफ हवलदार मौला बख्श को, बेवकूफ हवलदार मौला बख्श है 420। माफ कर दे, बच्चे हैं बेचारे। चलो अब पांव पड़ो, माफी मांगो। हाँ माफी मांगो, माफी मांगो ना। वो चलो चप्पल उतार दे तो पांव पड़ने में आसानी। माफ कर देना, बच्चे ही तो हैं। प्लीज माफ कर दे, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मेरी बंदूक का। अरे नहीं 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 हवलदार साहब, देखे हम आपसे माफी मांग के तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अगर हवलदार साहब ने तुम्हें माफ नहीं किया ना, तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माफ कर देना, माफ कर दे, बच्चे नादान बच्चे बेचारे, और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अंकल आप ही घर में भी ये लोग रेंट पर रहते हैं जो इनके लिए आपके घर में जगह नहीं। टीटी चुप करो। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमारे पापा का दिल बहुत बड़ा है ना पापा? मेरा जूता भी बहुत बड़ा है। मुझे 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 वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। हवलदार मौला बख्श के साथ 420।
मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। पापा के चलने की स्पीड से लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। केटी, सेंस की रूह से लग रहा है कि पापा वॉक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वॉक करते करते कुछ सोच भी रहे हैं। पापा एक वक्त में दो काम कैसे कर सकते हैं, या तो वो वॉक कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं। आप पता लगाते हैं कि कर क्या रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। पापा आप सोच रहे हैं या वॉक कर रहे हैं? मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी बंदूक कभी उसी दिन गायब होना था जिस दिन मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पापा प्लीज माफ कर दे उन्हें, मुकमुका कर लें। ये सब कुछ उन्होंने बहुत मजबूरी से किया है ताकि ये अजीमुल शान रिहाइश उन बेचारों को किराए पर मिल सके। बेचारे, मैं उन बेचारों को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। पापा तो फिर क्या करेंगे यार? चलो बता दो तुम्हें, आओ मेरे पीछे चलो। और नाजरीन पापा गुस्से से कमरे की तरफ आ गए हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो आगे बढ़ रहे हैं, देखते रहिए। और पापा आगे जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, पापा ने सोचा कि अब उन्हें क्या करना है, और पापा ने तकिया उठाकर और फेंक दिया। और नाजरीन फिर अब पापा जा रहे हैं, पापा ने ये पिस्टल उठाया और पापा फिर जोश तरीके से भाग जा रहे हैं। और पापा ने कहां ले जा रहे हैं? पापा भाग रहे हैं, क्या हो गया पापा? नाजरीन पापा ने ये बिस्तर ओ बिस्तर फेंक दिया। पापा वापस कमरे की जाने पा रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या उठाना है, और उन्होंने सोचा कि अब वो टीवी उठाएंगे, लेकिन लगता है कि टीवी काफी पापा टीवी टूट जाएगा। पापा पापा क्यों फेंक रहे टीवी? पापा 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 देखिए टीवी ना फेंके। चल सच्ची नहीं पवे झूठी सही कुवारी हमी पर सजना तू करे। नाज़रीन हवलदार साहब और बेटियों के मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं कि मैच ड्रॉ होता है या हार जीत का फैसला होता है। यार तुम अपनी कमेंट्री बंद करो, इस चक्कर में सब कुछ फेंक देंगे बाहर। अच्छा तो पापा वापस आ गए। पापा अब सोच रहे हैं कि उन्हें क्या फेंकना है, और ये सोचते हुए बोलती बंद हो गई ना, बहुत शौक है कमेंट्री का, करो कमेंट्री, आओ जरा। छोटी बहन है हमारी, चलो चलो यहाँ से, तुम्हें भी फेंक देंगे उठा के, हम क्या करेंगे? बाप की दही बना दी है तुम लोगों ने मेरी। यार शाहरुख बहुत परेशान हूँ, सारा प्लान उलट पुलट हो गया। परेशानी तो मुझे हो रही है यार, रहने की जगह भी गई और एडवांस भी किया। तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है? नहीं, इतना कीमती सामान था वो भी सारा गया, और मोहल्ले में बेइज्जती अलग हुई। नहीं, बेइज्जती की तो खैर है। बेइज्जती की खैर है? नहीं, लेकिन सामान का भी अफसोस हुआ है मुझे। सबसे ज्यादा नुकसान पता क्या हुआ मेरा? वो ये कि रोज सुबह सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा देखता था, वो नहीं देख सकूं, और ये नुकसान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर क्या करोगे? सोचते हैं, लेकिन वलीमा तो उसी डेट पर होगा हमारा जिस डेट के कार्ड बंटे हैं। पर कैसे? कैसे कैसे कुछ करना पड़ेगा यार, एक बार अपने बाबा से बात तो कर, कोई ना कोई हल निकल आएगा। पापा से? प्लीज 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 सोचती हूँ। करें इशारा के हसी है जान।